जम्मू कश्मीर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पाकिस्तानी समर्थित दलों के साथ है और उसका असली चेहरा आरक्षण विरोधी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं अयोध्या धाम की यूपी से आपके बीच आया हूँ। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है और उनके नाम पर जम्मू में रामगढ़ बना है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहने के बावजूद उसने अयोध्या की समस्या का समाधान नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आप सब ने मोदी जी पर विश्वास किया और 500 वर्षों की अयोध्या की समस्या ऐसे हल हुई जैसे ये कोई समस्या थी ही नहीं। योगी ने आगे कहा कि कांग्रेस का नाम ही समस्या है और बीजेपी का नाम समाधान। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में आज जहां भी आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद की समस्याएं हैं, सभी को पोषण देने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने हिंदुओं को कमजोर करने का काम किया जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में उसकी समर्थित सरकारें थी, तब यहां जो घटनाएं होती थी वो किसी से छुपी नहीं है। लंबे समय तक देश के अंदर कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन कांग्रेस ने अयोध्या की समस्या का समाधान नहीं होने दिया। आप सबने, भारतवासियों ने मोदी जी पे विश्वास किया और मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सरकार बनने, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के तुरंत बाद 500 वर्षों की समस्या ऐसे समाधान हुई जैसे कि वो समस्या ही नहीं थी। आज तो अयोध्या में 5 सदी के बाद फिर से अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है।